दोस्तों वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एनएमडीसी में अप्लाई किया था, जिनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और वो वेट कर रहे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का, और उसी के साथ साथ जो आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले स्टूडेंट का स्किल टेस्ट होता है उनका। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था, आप देख सकते हो एग्जाम की डेट ही यहाँ पर दी गई है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, हर चीज आप समझ जाओगे और आगे आपको क्या करना है उसका भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो देखिए कई स्टूडेंट हैदराबाद जा रहे हैं, अभी मेरे पास कई स्टूडेंट का कॉल भी आया था। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहां डिस्कशन ग्रुप है एक, और एक जो ऑफिशियल चैनल का ग्रुप है वो, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां कई स्टूडेंट से आपकी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रोजगार अधिसूचना संख्या 05/2021, और इसमें जो आपका फर्स्ट एग्जाम किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका फर्स्ट एग्जाम कब किया गया था, 8/3/2021 को आपका एग्जाम किया गया था, और उसके बाद में 26/6/2022 को आयोजित लिखित परीक्षा की गई थी। यहाँ पर अगर जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो किरंदुल कॉम्प्लेक्स और बचेली कॉम्प्लेक्स दोनों स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो जिनका जहां भी हुआ था एग्जाम। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने अंक देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने मार्क्स भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक डाउन करना है, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर आदि फिलफिल करना है और आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि इन्होंने एग्जाम में भी लगभग 8 से 9 महीने का अंतर रखा है। मतलब पहले तो एक मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका था, उसके बाद में फील्ड अटेंडेंट के एग्जाम को बहुत डिले किया गया। इसी के बाद में जो आपका बेल्लारी कर्नाटका का एग्जाम हुआ था उसका अभी तक स्किल टेस्ट की डेट नहीं आई है। तो कई स्टूडेंट यहाँ पर हैदराबाद जा रहे हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्या प्लान है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप करके है एनएमडीसी 2021-22 करके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कन्फर्म कर लीजिए। अगर आप भी जाना चाहते हो तो जरूर से जाइए, और साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाइए जिन्होंने एनएमडीसी के रिजल्ट का वेट कर रहे, फील्ड अटेंडर और मेंटेनेंस स्टूडेंट वाले जो थे वो अगर अभी तक स्किल टेस्ट का वेट कर रहे कि कब डेट आएंगी इन चीजों के बारे में। और एक चीज, स्किल टेस्ट में क्या होना है क्या नहीं होना इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी वॉच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कि अभी तक रिजल्ट क्यों डिले किया जा रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से वेबसाइट से सब कुछ उन्होंने हटा दिया गया है कि कब आपका एग्जाम हुआ था, जो नोटिफिकेशन नंबर आया था आदि, इन सभी चीजों को वहां से हटा दिया गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनएमडीसी की तरफ से इतना डिले क्यों किया जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे जितने भी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट होते हैं, पीएससी आदि होते हैं, यहां पर जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है या रिक्रूटमेंट निकल के आता है वहां पर जो नीड होती है, आवश्यकता होती है भर्तियों की, तब ना कि यह ईयर बाय ईयर हर साल निकल के आता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इनको जो है अभी भर्ती प्रक्रिया बहुत डिले की जा रही है। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन पावर है इतनी कमी यहाँ पर नहीं है, या इतनी शॉर्टेज नहीं है, या इनका कुछ और भी प्लान है। हाँ, लेकिन एनएमडीसी अपनी प्रोसेस जो है दूसरी फील्ड में जरूर से पूरी कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैकेंसी आई थी, इसके बाद में और भी नीचे वैकेंसी आई थी, इसके नीचे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनएमडीसी का जो करियर वाला सेक्शन है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करियर वाले सेक्शन में जाना है। करियर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यह पेज खुल के मिलेगा, यहाँ आप अपना रिजल्ट आदि सब कुछ चेक कर सकते हो। इसकी वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रोसेस तो अभी चालू है, डिले किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इसका कोई वास्तविक कारण नहीं मिल पाता। कई आपके द्वारा आरटीआई लगाई गई है, मैंने खुद ने भी 3 बार कम से कम आरटीआई लगाई थी और तीनों बार एक ही जवाब मिला था कि अभी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है। एक चीज मैं श्योरिटी के साथ आपको बता देता हूं कि ना ही भर्ती प्रक्रिया अभी रद्द की गई है और ना ही भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द की जाएगी। अगर ऐसा किया रहता या ऐसा किया जाना होता तो अभी तक कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आपको आ जाता। जब पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम नहीं होता, तब तक भी कई स्टूडेंट का ऐसे कहना था कि सर अभी तक फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम क्यों नहीं हुआ है, क्या फील्ड अटेंडेंट की भर्ती जो है रद्द हो जाएगी, या मेंटेनेंस असिस्टेंट का स्किल टेस्ट कब होगा। तो आप जानते होंगे कि जो छत्तीसगढ़ में आपका दंतेवाड़ा जिला है, यहाँ पर जो दो प्लांट है, एक आपका है बेल्लारी वाला और एक है आपका दंतेवाड़ा वाला, दोनों के आपके एग्जाम होना है, दोनों के आपके एग्जाम हो चुके हैं और दोनों की जगह आपकी ज्वाइनिंग होना है। तो कई स्टूडेंट ने दोनों जगह अप्लाई किया था, कई स्टूडेंट ने एक ही जगह अप्लाई किया था। तो जो दंतेवाड़ा वाले जो दोनों प्लांट है वहां पर किरंदुल और बचेली, यहाँ पर स्किल टेस्ट आदि की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई थी कई स्टूडेंट की वहां पर। मतलब सब कुछ वहां पे प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेल्लारी वाला था जो कि कर्नाटका का था, यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रोसेस मतलब इन्होंने स्टार्ट नहीं की है,
की स्किल टेस्ट की या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की। और अगर आप आरटीआई लगाते हो तो आरटीआई भी वही जाती है, और अगर आप हेड ऑफिस हैदराबाद, आप जानते होगे कि भर्ती की सारी प्रोसेस हैदराबाद में होती है, तो अगर आप हैदराबाद में भी कॉल वॉल करोगे तो वहां पर भी एक ही जवाब मिलता है कि अभी प्रोसेस चालू है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाती। तो कई स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको उनसे संपर्क अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट, और सभी लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। अगर आरटीआई की बात करें तो कई आरटीआई लगाई गई थी, वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। तो यही कुछ अपडेट थी, आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की गई है। अभी मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले ही, तब भी उन्होंने कहा था कि अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है, लगभग लगभग जनवरी के लास्ट वीक तक या जनवरी के लास्ट ये वीक तक आपको देखने को कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लगभग 20 तारीख 19 तारीख हो गई है, तो आप देख लीजिए, अगर आप जाना चाहते हो तो जरूर से जाइए, हो सकता है इससे उनके उनके ऊपर कुछ असर पड़े और वो प्रोसेस को जल्दी करवाए। तो आगे कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके, सभी स्टूडेंट एकजुट हो सके और सभी स्टूडेंट कार्यवाही कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। दो चीजों से आप निश्चिंत रहिएगा, ना ही आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है, हाँ लेट हुआ है, हर चीज में लेट हुआ है और जरूर से आगे भी होगा, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।